हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम इस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डाल्टन और टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड और निल्स बोर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल को आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक दे ब्रॉग्ली इक्वेशन या तरंग कणिका सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति द्वैत या परमाणु की द्वैत प्रकृति पर चर्चा करेंगे, जिसको कि डी ब्रॉग्ली इक्वेशन के नाम से ज्यादा फैमिलियर है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है तरंग कणिका सिद्धांत? तरंग का क्या अर्थ है, यानी कि ऐसा कोई पिंड रहे जो श्रृंगगत या संपीड़न विरलम के रूप में चले और कण यानी कि उसमें कुछ द्रव्यमान हो। डी ब्रॉग्ली जो कि वैज्ञानिक थे, डी ब्रॉग्ली ने बताया कि कोई भी गतिशील आवेश कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऑर्बिट है, कोई गतिशील आवेश रहेगा तो वो उसका कुछ न कुछ मास निश्चित रूप से होगा और वो तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा, यानी कि ऐसे श्रृंग और गर्भ के रूप में नाभिक के चारों ओर ये गति करेगा। डी ब्रॉग्ली ने बताया कि कोई भी गतिशील आवेश कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है। कण का गुण प्रदर्शित करेगा यानी कि उसमें कुछ मास होगा, तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा यानी कि वो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगा। श्रृंग और गर्त किसको बोला जाता है? ऐसे एक आधार है, एक दीवार है, इससे आप रस्सी को बांध करके और इसको हिलाना शुरू करो, ऐसे ऐसे पकड़ करके जब हिलाते हो तो ये श्रृंग और गर्त के रूप में ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या है, ये साम्यावस्था ऐसे है, जो ऊपर की तरफ ये उभार है इसको बोला जाता है श्रृंग और नीचे ये जो झुकाव है इसको बोला जाता है गर्त। कोई दोलनकारी कण है, वो दोलन करते समय एक तरफ जितना महत्तम दूरी तय करता है, ये जितना एक तरफ महत्तम दूरी तय करेगा इसको आयाम बोला जाता है, आयाम, एप्टीट्यूड। और कोई दोलनकारी कण एक दोलन पूरा करने में जितना क्षैतिज दूरी तय करता है वो तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, या एक दोलन पूरा करेगा, यहां से जीरो से स्टार्ट किया, एक तरफ महत्तम, फिर जीरो, फिर दूसरे तरफ महत्तम, फिर जीरो, तो ये एक इधर अधिकतम गया, फिर जीरो, फिर इधर अधिकतम गया, फिर जीरो आ गया, ये एक तरंग है। तो इसमें किसी दोलनकारी कण को एक दोलन पूरा करने में जितना क्षैतिज दूरी तय करनी पड़ती है उसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको कि लैम्डा से डिनोट करते हैं, या और क्या कह सकते हैं, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को, या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को लैम्डा बोला जाए। लैम्डा किसको किसको बोलेंगे? ऐसे कोई दोलनकारी कण है साम्यावस्था के, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तरंगदैर्ध्य आएगा इसलिए हम बता रहे हैं। तो कोई दोलनकारी कण एक दोलन पूरा करने में, ये साम्यावस्था शून्य है, इधर से इधर मैक्सिमम गया, फिर आकर के यहां पे जीरो हुआ, फिर दूसरी तरफ मैक्सिमम गया, फिर यहां पे आकर के जीरो हुआ, ये दूरी वेवलेंथ बोली जाएगी। या
या और क्या कर सकते हो, दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, ये भी दूरी लैम्डा बोली जाएगी, ये भी दूरी लैम्डा बोली जाएगी, तरंगदैर्ध्य बोला जाएगा। दे ब्रॉग्ली ने बताया कि कोई भी गतिशील आवेश है वो कण के साथ साथ, कण यानी कि उसमें द्रव्यमान रहेगा, कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि श्रृंग और गर्त के रूप में नाभिक के चारों घूमता है। हर बात समझ में, कण यानी कि उसमें कुछ मास होगा, तरंग यानी कि उसमें कुछ वेवलेंथ होगा। अब देखो, अब दे ब्रॉग्ली ने अपना समीकरण प्रस्तुत किया, इसमें दे ब्रॉग्ली इक्वेशन के रूप में आएगा, इसको तरंग कणिका सिद्धांत, तरंग यानी कि श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगा, कण यानी कि उसमें कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन का द्वैत चरित्र यानी कि इलेक्ट्रॉन दोहरा नेचर रखेगा, दोहरा नेचर रखेगा मतलब कि द्रव्यमान भी होगा उसमें और उसमें तरंग दैर्ध्य भी होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी गतिशील आवेश कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है, तरंग का गुण प्रदर्शित करता है। यही है इलेक्ट्रॉन का द्वैत चरित्र। इलेक्ट्रॉन कण, कण यानी कि द्रव्यमान होगा, तरंग यानी कि श्रृंग और गर्त के रूप में नाभिक के चारों घूमेगा। तो कोई भी गतिशील आवेश कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है, यही इलेक्ट्रॉन का द्वैत चरित्र है, परमाणु का द्वैत चरित्र है, या तरंग कणिका सिद्धांत। अब हम दे ब्रॉग्ली इक्वेशन देखें, दे ब्रॉग्ली इक्वेशन आएगा कैसे, देखिए दे ब्रॉग्ली ने इक्वेशन निकाला इस तरंग कणिका सिद्धांत के लिए। तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के देखो, आइंस्टीन के अनुसार आप द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़े हो, E बराबर mc स्क्वायर, ये समीकरण एक है। और प्लैंक के अनुसार, प्लैंक के अनुसार E बराबर H इंटू न्यू होगा, न्यू आवृत्ति है, न्यू आवृत्ति एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को बोला जाता है। इसमें इसको समीकरण दो कर, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर किया जा सकता है। समीकरण एक तथा दो से H इंटू न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, आवृत्ति देखो h इंटू सी बाई लेमडा, चूंकि न्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है, आवृत्ति जो है वेग और तरंग दैर्ध्य के अनुपात के बराबर होती है, बराबर एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल करा दो, आ जाएगा लेमडा बराबर h अपॉन m इंटू सी। ये समीकरण आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये समीकरण आ तो गया, लेकिन आप ये देखो, H प्लैंक नियतांक है, M जो आवेश है उसका द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल है, ये केवल उसी कण के लिए लागू होगा, केवल उसी आवेश के लिए लागू होगा जिसका चाल प्रकाश की चाल के बराबर होगा। H प्लैंक नियतांक है, प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक रहे, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और सी प्रकाश की चाल। इसमें ये केवल उसी कण के लिए है, केवल उसी आवेश के लिए है जिसका चाल प्रकाश की चाल के समान, यानी कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। हम क्या कर देंगे, इस समीकरण का सामान्यीकरण करेंगे, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन करिए, इसका सामान्यकरण करिए कि सामान्य पिंड के लिए भी लागू हो सके। तो C को हटा कर क्या भी रख, लैम्डा बराबर, तब समीकरण आएगा लैम्डा बराबर H अपॉन M इंटू B।
भी वेग। इस समीकरण का जनरलाइजेशन किया गया है, सामान्यीकरण किया गया है, तो प्रकाश हर एक पिंड का चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड तो होगा नहीं, तो इसमें सामान्यीकरण करेंगे तो सी को हटा करके और भी रख दिया जाए। हम जानते हैं कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग के बराबर होता है। यह संवेग है, मोमेंटम जिसको बोला जाता है, तो लिखा जा सकता है तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। लैम्डा बराबर एच अपॉन, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी या लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, यही दे ब्रॉग्ली इक्वेशन है। इसमें द्रव्यमान भी है यानी कि कण का गुण है, और लैम्डा जो है उसके तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। हम अभी बताए हैं कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य किसको बोला जाएगा, कोई दोलनकारी कण है एक दोलन पूरा करने में जितना क्षैतिज दूरी तय करेगा, रस्सी को ऐसे बांध करके हिला रहे हो तो एक साम्य अवस्था से लेकर के शून्य से लेकर के एक तरफ अधिकतम दूरी पहुंचेगा, फिर आकर के जीरो होगा, फिर दूसरी तरफ महत्तम पहुंचेगा, फिर जीरो होगा, इतना चलने में जितना क्षैतिज दूरी चलेगा उसी को तरंग दैर्ध्य बोला जाएगा। या दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। तो हम जो हमारा जो इक्वेशन आया है इसी को दे ब्रॉग्ली इक्वेशन बोला जाता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू वी बराबर एच अपॉन पी, यही दे ब्रॉग्ली इक्वेशन है। अक्सर पूछा जाता है इसमें लैम्डा आया है यानी कि तरंग दैर्ध्य है, और एम जो है वो द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान, आवेश रहेगा तो आवेश होगा, पिंड रहेगा पिंड। आ रही बात समझ में? एक बात जानो, एक बात ध्यान रखिए, हमको तरंग दैर्ध्य अगर आपका जो भी तरंग दैर्ध्य अगर बहुत ज्यादा कम रहेगा तो वो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा। हमको इस तरीके से श्रृंग गर्त बनना चाहिए, श्रृंग गर्त नहीं बनेगा तो उसमें तरंग का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। तो यदि कोई ऐसा कण है जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम आ रहा है, 10⁻¹० से भी, एंगस्ट्रॉम से भी बहुत ज्यादा छोटा है, तब वो तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, लगभग एंगस्ट्रॉम में आना चाहिए, 10⁻¹० से 10⁻¹³ तक, 10⁻¹² तक रहेगा तो वो कण तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। तो एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, लगभग एंगस्ट्रॉम में आना चाहिए, अब 10⁻¹० 10⁻¹² तक आ जाएगा तो तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अगर किसी कण का तरंग दैर्ध्य 10⁻¹० 10⁻¹² 10⁻¹³ आएगा तो वो कण जो होगा वो कण के समान तो व्यवहार प्रदर्शित करेगा लेकिन तरंग के समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। देखो ये किसी पिंड का कण का गुण है और ये तरंग का गुण है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर कण का गुण बढ़ेगा तरंग का गुण घटता जाएगा, यदि कण का गुण घटेगा तो उसमें तरंग का गुण बढ़ता जाएगा, तरंग का गुण बढ़ेगा यानी कि श्रृंग और गर्त के रूप में गति करेगा आपको दिखेगा, नहीं तो अगर बहुत कम रहेगा तो ऐसे लगेगा घूमने, तरंग के समान गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तरंग के समान गुण प्रदर्शित करने के लिए ऐसे श्रृंग और गर्त का बनना आवश्यक। आ रही बात समझ में? दे ब्रॉग्ली ने आइंस्टीन के अनुसार E बराबर MC स्क्वायर, प्लैंक के अनुसार E बराबर H इनटू न्यू, दोनों को बराबर कर दिया गया, H इनटू न्यू बराबर MC स्क्वायर हो गया, न्यू बराबर C बाई लैम्डा होता है तो C बाई लैम्डा, C से C कैंसिल हो गया, लैम्डा बराबर H अपॉन M इनटू C। ये केवल उस कण के लिए है जिसका वेग प्रकाश की चाल के समान होगा। इस समीकरण का हम सामान्यीकरण करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे, तो C की जगह पे V रख देंगे, लैम्डा बराबर H अपॉन MV, MV बराबर P हो गया, लैम्डा बराबर H अपॉन P, तो लैम्डा बराबर H अपॉन MV बराबर H अपॉन P। आई बात समझ में? आइए हम देखें एक दो उदाहरण के द्वारा कि ये कौन सा कण होगा जो तरंग और कण दोनों का गुण प्रदर्शित कर रहा होगा। दो उदाहरण हम देखेंगे, दो उदाहरण हम देखेंगे और इसमें दिखाया जाएगा कैसे द्वैत प्रकृति है, कैसे दोहरा नेचर है, कैसे कोई कण तरंग के समान और कण के समान दोनों के समान गुण प्रदर्शित कर रहा है। मान लो एक एग्जाम्पल लो, मान लो कि 1 किलोग्राम का कोई पिंड है और 100 मीटर वेग से गतिशील है,
यहां ले सकते थे 2 किलो 5 किलो 10 किलो और इसको 100 मीटर 1000 मीटर वेग से गतिशील है, कुछ भी आप मानोगे। देखिए इसमें 100 मीटर वेग से गतिशील है, हम देखेंगे इसका कितना लैम्डा आता है, कितना तरंगदैर्ध्य आता है, क्या तरंगदैर्ध्य ऐसा आ रहा है कि जिसके कारण से वो तरंग के समान गुण प्रदर्शित कर सके। तो लैम्डा बराबर, एग्जांपल दिखाया गया है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू बी। एच प्लैंक कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन एम 1 किलोग्राम, भी कितना 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड ये वेग से गतिशील। इसमें लैम्डा की वैल्यू आ गई 6.626 इंटू 10^-10^2 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वन से 10^-36 इतना मीटर। चूंकि ये लैम्डा की वैल्यू इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा कम है, आप 10^-36 है, इतना ज्यादा कम है कि जो कण रहेगा, जो 1 किलोग्राम का पिंड है, वो तरंग के समान गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, उसमें आपका कण का गुण बहुत अधिक है। तो 1 किलोग्राम का कोई पिंड है उसमें कण का गुण इतना ज्यादा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कण का गुण इतना ज्यादा कम है, इतना ज्यादा है कि तरंग दैर्ध्य का गुण उसमें बहुत ज्यादा कम होगा, और कण जो होगा वो ऐसे 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 गति नहीं करेगा, वो ऐसे गति करने लगेगा। तो कण का गुण तो रखा हुआ है लेकिन तरंग का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अतः 1 किलोग्राम का पिंड तरंग का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। आई बात समझ में? एक हम देखें और उदाहरण, कौन करेगा, प्रयास करेंगे कोई कर दे। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है और 10^7 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील, इसमें हम देखें 10^7 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू बी। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34 अपॉन एम की वैल्यू 9 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते होंगे आप, 9 समझिए गुणे 10^31 गुणे 10^7 सॉल्व कर दो इसको, इसको सॉल्व करो 0.73 इंटू 10^31 है, ऊपर चला जाएगा तो बचेगा कितना 31, 3 बचा माइनस 3, ऊपर जाएगा -10 इतना मीटर, 0.73। हम बताए थे कि एंगस्ट्रॉम में आना चाहिए, 10^11 आ सकता है, 10^12 आ सकता है, 10^13 आ सकता है, तो उसमें एक मिनिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए जिसके कारण से श्रृंग और गर्त आपको बनता हुआ दिखे, श्रृंग और गर्त बनाए कौन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का लैम्डा इतना पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉन कोण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करेगा। इसमें 1 किलोग्राम का पिंड था, आप चाहते तो 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम ले सकते थे, जितना इसका वैल्यू बढ़ाते जाओगे लैम्डा की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और बहुत भारी पिंड अगर लेंगे तो वो कण के समान तो गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि कण का गुण और तरंग का गुण दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर कण का गुण आपका बढ़ता जाएगा तो तरंग का गुण घटता जाएगा, तब वो कण के समान तो गुण प्रदर्शित करेगा लेकिन तरंग के समान गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर बहुत छोटा कोई पिंड है और बहुत तेजी से गतिशील होगा तो वो कण का भी गुण प्रदर्शित करेगा और तरंग का भी गुण प्रदर्शित करेगा। इसमें लैम्डा की वैल्यू इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि उसका कण का भी गुण दिखे और तरंग का भी गुण दिखे। तो इसमें डी ब्रॉग्ली ने बताया कि कोई भी गतिशील आवेश है उसमें कुछ द्रव्यमान होगा और वो श्रृंग और गर्त के रूप में नाभिक के चारों ओर
चक्रण कले। तो कोई गतिशील आवेश कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है, यही इलेक्ट्रॉन का द्वैत चरित्र है, यानी कि उसमें द्रव्यमान भी है और उसमें तरंगदैर्ध्य भी है। तो कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है, यही तरंग कणिका सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन का द्वैत चरित्र है, परमाणु का द्वैत चरित्र है और डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। आई बात समझ में? हम लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, आइंस्टीन के समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर, प्लैंक के अनुसार ई बराबर एच इंटू न्यू, दोनों को बराबर करके न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, सी से सी कैंसिल कराए, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी आ गया। सी प्रकाश के चाल के लिए है, तो चूंकि सभी पिंड प्रकाश के चाल से गतिशील नहीं होंगे क्या होगा, तो हम ऐसे पिंड के लिए लें जो सामान्य पिंड के लिए भी लागू हो जाए, तो सी की जगह पे हम भी सामान्य पिंड के लिए ले लेंगे, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी हो जाएगा, उसी को डी ब्रॉगली इक्वेशन बोला जाएगा। किस पिंड के लिए लागू होगा, तो उसका कण का गुण और तरंग का गुण इतना हो कि जिसके कारण वो तरंग का भी गुण प्रदर्शित करे और कण का भी गुण प्रदर्शित करे। अगर कण बहुत अधिक भारी ले लेंगे तो वो कण का गुण तो प्रदर्शित करेगा लेकिन तरंग का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। बहुत ज्यादा अगर छोटा ले लेंगे, कण बहुत ज्यादा छोटा होगा तो वो तरंग के समान गुण और कण के समान गुण प्रदर्शित कर सकता है। आ रही बात समझ में? आप देख लेंगे, नोट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम डी ब्रॉगली इक्वेशन का हम सत्यापन करेंगे कि कैसे पिंडों के लिए लागू होगा, उसमें कैसे हम रख करके एम ई भी रख करके इसका सत्यापन किया जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।